स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय क्लास इन स्टैंडर्ड फोर इंग्लिश वन। स्टैंडर्ड फोर इंग्लिश वन में हम लास्ट में जो चैप्टर नंबर 7 है एलिस इन वंडरलैंड में, हमने जो उसकी स्टोरी है वो हमने लास्ट वीडियो में लर्न की थी और एक्सप्लेन भी की थी और रीड की थी। अब उसके बाद है वो हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टोरी में आपने सभी ने देखा कि एलिस इन वंडरलैंड है, उसमें एलिस है वो क्या थी, एक क्यूरियस गर्ल थी। उसने जो व्हाइट रैबिट देखा वो उसको कैसा लगा, बहुत ही वंडर लगा। तो उसको जो क्यूरियोसिटी है उसकी वो बढ़ गई और वो उसके पीछे पीछे चली जाती है, और जो रैबिट है व्हाइट रैबिट उसके पीछे जाती है। तो रैबिट है वो रैबिट हॉल में जाता है, तो जो एलिस है वो भी उसके पीछे उसके अंदर उस रैबिट हॉल में डाउन एंड डाउन चली जाती है। और नीचे जाके देखती है तो वो एक डोर देखती है, डोर के लिए एक ग्लास की जो टेबल थी उसके ऊपर गोल्डन की भी देखती है, और गोल्डन की है वो डोर के लिए सूटेबल भी थी। और जब वो डोर ओपन करके देखती है, लेकिन जो डोर है वो कैसा था, बहुत ही छोटा था, रैबिट का डोर था, इसीलिए एलिस का हेड भी अंदर डोर के अंदर नहीं जा पा रहा था। और जो एलिस है उसने डोर में से एक अंदर लवली गार्डन देखा, और वो गार्डन बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ तक जो स्टोरी थी वो हमने देखी थी। उसके बाद है जो है वो है न्यू वर्ड्स। तो आपको न्यू वर्ड्स से उसके मीनिंग से वो आप अपनी बुक में लिखने हैं। स्कैम्पर यानी टू मूव इन हरी। तो जो एलिस है उसने एक स्कैम्पर बाय एक व्हाइट रैबिट देखा, वो स्कैम्पर यानी कैसा था, वो बहुत ही जल्दी में था, हरी में, हरी यानी जल्दबाजी, जल्दी में था। तो स्कैम्पर पहला है, स्कैम्पर का मीनिंग होता होगा टू मूव इन हरी। सेकंड है वो है हरी। हरी यानी क्या होगा, हरी यानी टू रस। रस करना जल्दी से, क्विकली। फिर है थर्ड है वो है पॉप्ड। पॉप्ड का मीनिंग होगा टू गो समवेयर विदाउट एनी नोटिस। कोई भी नोटिस दिए बिना कहीं पे चले जाना। उसके बाद है नंबर 4 है वो है डिसअपीयर। डिसअपीयर का मतलब होगा वैनिश यानी अदृश्य हो जाना। अदृश्य हो जाना, दिखना नहीं किसी को वो। फिर है विस्कस। विस्कस यानी क्या होता है कि लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के फेस में नोज के पास जो लॉन्ग लॉन्ग हेयर होते हैं, आपने भी देखे होंगे केट के जो नोज होता है उसके पास लंबे हेयर होते हैं। फिर जो रैबिट है उसके भी हेयर होते हैं यानी मूछे, जो मूछे होती है वो। तो लॉन्ग हेयर ऑन द फेस ऑफ एनिमल्स।
पता चल सके। तो मीनिंग्स के बाद है रीडिंग इज फन। रीडिंग इज फन में आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए, उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो जब उनकी जो सिस्टर है उसके पास वो स्टोरी सुन रही थी तब एलिस ने क्या देखा, तो क्या आएगा, उसने एक व्हाइट रैबिट देखा है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर कैसे लिखना है, तो एलिस सो व्हाइट रैबिट। एलिस शो अ व्हाइट रैबिट, उसने एक व्हाइट रैबिट देखा व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी। आपको आंसर कैसे लिखना है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सो। जो रैबिट एलिस ने देखा था उसमें क्या डिफरेंट था, क्या अलग था, जो नॉर्मली जो रैबिट्स होते हैं उसमें और ये जो एलिस ने देखा था वो रैबिट, ये दोनों रैबिट में क्या 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 डिफरेंस था। तो क्या आएगा, द रैबिट दैट एलिस सो, जो रैबिट है जो एलिस ने देखा था हैड पिंक आईज, उसके पास पिंक कलर की आईज थी। पिंक आईज के रैबिट की पिंक आईज नहीं होती, लेकिन जो था उसकी आईज है वो पिंक थी एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट, और उसने वियरिंग यानी पहना हुआ था, उसने ब्लू कलर का कोट पहना था। ही कुड टॉक लाइक ह्यूमंस, और वो ह्यूमंस की तरह बातें भी कर रहा था। तो जो रैबिट्स है वो बातें नहीं करते हमारी तरह, बोलते नहीं, लेकिन ये जो रैबिट है उसने ब्लू कोट भी पहना था ह्यूमंस की तरह, और वो टॉक भी कर रहे थे ह्यूमंस की तरह। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो भी आप लिख लो। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वेयर डिड द रैबिट गो, रैबिट कहाँ गया। तो उसका आंसर क्या आएगा कि रैबिट है वो एक बड़े से रैबिट होल में जंप करता है और वो डाउन एंड डाउन चला जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो द रैबिट रैबिट जंप्ड इनटू अ बिग रैबिट होल एंड वेंट डाउन एंड डाउन, एक बड़े से रैबिट होल में जंप किया और नीचे चला गया। तो लिख लो आप ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस है वो वंडरलैंड में कैसे पहुंची। तो उसका आंसर क्या आएगा कि एलिस है वो वंडरलैंड में जो व्हाइट रैबिट था उसके पीछे पीछे चली गई, उसकी वजह से वो कहाँ पहुंच गई, वंडरलैंड में पहुंच गई।
पे। तो आंसर आपको कैसे लिखना है, पहले क्या आएगा एलिश, फिर डीड निकल जाएगा, पहले आएगा एलिश सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो एलिश, फिर आएगा वर्ब, वर्ब है उसमें डीड निकल जाएगा और रीच का पास्ट फॉर्म हो जाएगा, रीच क्या हो जाएगा, डीड निकाल के रीच एलिश रीच्ड वंडरलैंड। वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द व्हाइट रैबिट। व्हाइट रैबिट को फॉलो करने से एलिस है वो वंडरलैंड पहुंच गई। ओके, तो ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर है, वो भी आप अपनी बुक में लिख लो। उसके बाद है व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी, वो वंडरलैंड में जाके एलिस ने कौन सी स्ट्रेंज थिंग है वो उसने देखी। तो उसमें क्या आएगा कि उसने एक बहुत ही लवली गार्डन देखा, जो गार्डन कैसा था, वो बहुत ही ब्राइट फ्लावर्स का उसके अंदर बेड था, यानी सभी जगह पे ब्राइट फ्लावर्स फैले हुए थे, उसके प्लांट्स थे, फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे, और एक कूल फाउंटेन भी उसने वहां पे देखा। तो यहाँ पे उसका आंसर कैसे लिखना है, तो पहले आएगा एलिश सब्जेक्ट, एलिश फिर सी है तो उसका क्या होगा शो, नीड निकल जाएगा और सी का पास्ट फॉर्म आएगा, तो एलिश शो अ लवली गार्डन। So a lovely garden with beds of, इसके beds थे bright flowers के, Alice saw a lovely garden with beds of bright flowers, और क्या था and cool fountain। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सो, जो गार्डन एलिस ने देखा था उसको आप अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा था, तो वो आपको लिखना है, तो द गार्डन दैट एलिस सो, ये जो गार्डन था जो एलिस ने देखा था वो द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन, वो बहुत सबसे अच्छा बहुत ही अच्छा गार्डन ने कभी भी ना देखा हो ऐसा बहुत ही अच्छा गार्डन था, बहुत ही सुंदर गार्डन था। इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड कूल फाउंटेन्स, और उसमें क्या था बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, ब्राइट फ्लावर्स के बेड्स थे, यानी बहुत सारे फ्लावर्स थे, एंड कूल फाउंटेन्स, और ठंडे जो फाउंटेन्स है बहुत ही कूल थे फाउंटेन्स, वो उसने गार्डन में देखा। तो यहाँ पे आपके जो 6 क्वेश्चन और उसके आंसर थे वो अभी उसके आंसर हो गए हैं। अब नंबर 7 है वो आप अपनी बुक में देखोगे, ड्रो द गार्डन ऑफ योर ड्रीम्स, आपके ड्रीम का यानी आपको जो पसंद है ऐसा गार्डन यहाँ पे स्पेस दिए ना बुक में, वहां पे आपको आपके ड्रीम्स आपने जैसा ड्रीम में देखा हो वैसा गार्डन यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, वो आप घर से खुद से करना है, डू इट योर सेल्फ, आपको खुद से ही करना है, किसी के पास
ड्रॉ नहीं करवाना है, गार्डन अच्छा सा ड्रॉ करो, उसमें कलर भी आप फिलअप कर सकते हो। पहले आप ये जो क्वेश्चन और उसके आंसर कंप्लीट कर लो, और जो गार्डन ड्रॉ करने वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। नेक्स्ट है वो 8 नंबर का क्वेश्चन है, वो है टिक राइट द करेक्ट आंसर, वो हम आप पहले ये लिख लो, बाद में वो करेंगे। ओके, इसमें क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर पे आपको टिक करना है। पहला है द रैबिट हेड, रैबिट हेड व्हाइट आइज, बी गाइस के पिंक आइज, रैबिट के पास क्या था, व्हाइट आइज थी, बी गाइस थी के पिंक आइज थी, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, पिंक आइज, तो पिंक आइज पे आपको ऐसे राइट करना है। ओके, आपकी बुक में है ना। हु वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी से कौन बर्न हो रहा था, किसको उत्सुकता थी ज्यादा जानने की, सब कुछ जानने की रैबिट के बारे में, तो एलिस रैबिट के चिल्ड्रन, तो किसको सी, हु वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी, क्या आएगा, एलिस, एलिस वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी। फिर हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन गिरता जा रहा है, एलिस माउस के द रैबिट, तो इसमें क्या आएगा, एलिश आएगा। आप बोलोगे तो डाउन एंड डाउन एंड डाउन तो रैबिट जा रहा था, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, फेल, फेल यानी गिरना, रैबिट तो उसका जो उसका तो हर रोज का उसका तो होली था, वो तो हर रोज वहां पे जाता ही था, इसलिए वो तो डाउन एंड डाउन स्टेप से जाता था, लेकिन एलिश को पता नहीं था, वो तो डायरेक्ट जंप कर, हम किसी में जंप करें तो हम क्या हो जाएंगे, फेल डाउन हो जाएंगे यानी गिर जाएंगे, तो फोल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे फेल डाउन पूछा है, कौन फेल डाउन हो जाता है, कौन गिर जाता है, रैबिट है वो गिरता नहीं, वो तो चल के जा रहा था हॉल के अंदर, लेकिन जो एलिस थी वो गिरती जा रही है डाउन एंड डाउन, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, करेक्ट आंसर एलिस आएगा। ओके, प्लीज टिक इन योर बुक ऑल्सो। अभी नेक्स्ट है, हु सेड ओ माय टीयर्स एंड विशर्स, हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये कौन बोलता है, द रैबिट, एलिस के एलिस सिस्टर, तो क्या आएगा इसमें, लेट कौन हो रहा था, रैबिट हो रहा था, तो यहाँ पे रैबिट पे टिक आएगा, राइट आएगा। फिर द गार्डन एलिस, तो वो जो गार्डन एलिस ने देखा था वो कैसा था, बी लवली आपका पार्टनर होता तो आप क्या करते,
तो आप रैबिट से क्या कर लेते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं ना। मैं तो वही करती, तो रैबिट से फ्रेंडशिप करके उसका जो गार्डन था, लवली गार्डन, वो उसको देखने ले जाता और उसको एलिस से उसको गार्डन भी देखने मिल जाता। व्हाट डू यू थिंक एलिस सो इन द गार्डन, आपको क्या लगता है एलिस ने गार्डन में क्या क्या देखा? तो उसने गार्डन में ब्राइट फ्लावर्स के बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स तो देखे ही थे, कूल फाउंटेन्स भी देखे थे, उसके अलावा फ्रूट के ट्रीज भी हो गए। गार्डन तो बहुत ही लवली था, तो फ्रूट्स के ट्रीज हो गए, फिर अलग अलग प्लांट्स हो गए, फिर और कलरफुल बटरफ्लाइज जो फ्लावर्स हो गए, तो बटरफ्लाइज की होगी ना, तो कलरफुल बटरफ्लाइज देखे होंगे, अलग अलग है, डिफरेंट बर्ड्स होते हैं कलरफुल, डिफरेंट बर्ड्स और उसकी साउंड्स भी उसने सुनी होगी, है ना। तो ये सब कुछ गार्डन में होगा। फिर नंबर फोर पे, हाउ कुड एलिस हैव वॉक इनटू द गार्डन, तो एलिस ने तो जो डोर, गार्डन का डोर था एलिस का, वो कैसा था? उसने तो सिर्फ डोर है, बहुत ही स्मॉल था, उसका हेड भी अंदर ना जाए उतना स्मॉल था। तो एलिस ने गार्डन के अंदर जाने के लिए या फिर गार्डन देखने के लिए उसने क्या किया होगा कि गार्डन के अंदर जाने के लिए, तो फिर उसने क्या किया होगा, आपको क्या लगता है? तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसको रैबिट को बोल के वो गार्डन है उसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा, या फिर वो उसने क्या विश किया कि उसने विश किया कि शायद कास्ट आई विश के मैं भी स्मॉलर होती तो अंदर जा सकती, तो उसकी कास्ट वो जो विश है स्मॉल हो जाती और गार्डन के अंदर जा पाती, तो वो विश कास्ट पूरी हो जाती, उसको वो जादू कोई मैजिक हो जाता और वो भी स्मॉलर हो जाती और गार्डन के अंदर जा पाती। तो ये था हमारा लेट्स टॉक का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद है लेट्स राइट। लेट्स राइट में राइटिंग करना है, क्या लिखना है देखो। तो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लेट्स डू इन द ब्लैकबोर्ड, ओके। तो लेट्स राइट में आपको क्या करना है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम स्टोरी, दैट मींस यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उसके स्टोरी में उसके लिए कौन से मीनिंग है, वो कौन से वर्ड्स है वो यूज किए गए हैं, वो आपको लिखना है। जैसे कि टू वॉक फास्ट यानी जल्दी से चलना, तो उसको क्या बोलेंगे, हरी। इसके स्टोरी में क्या यूज हुआ है, इन हरी। बी है टू थिंक यानी उसके लिए वंडर। W and ER wonder. फिर happy यानी delight. Happy के लिए story में कौन सा word use हुआ है, delight. फिर to be seen nowhere, कहीं पे भी नहीं दिखना, यानी उसका meaning होगा D से disappear. क्या होगा, disappear. Disappear यानी कहीं भी नहीं दिखना, ओके। फिर एट वंस का मीनिंग होगा क्विकली। जल्दी से एक ही बार में, ओके। फिर एफ है मूव फास्ट यानी जल्दी से मूव होना, यानी यहाँ पे क्या यूज हुआ है, स्कैम्पर। क्या यूज हुआ है, कैंपर, ओके। टू बी इनक्विजिटिव यानी क्यूरियोसिटी, सी से क्यूरियोसिटी। क्या आएगा, टू बी इनक्विजिटिव का मतलब होगा स्टोरी में क्या यूज हुआ है उसके लिए, क्यूरियोसिटी यूज हुआ है। तो टू वर्क फर्स्ट यानी हरी, आपको सभी के जो फर्स्ट लेटर है स्पेलिंग के वर्ड्स के वो दिए गए, तो एच से क्या आएगा, हरी।
स्लाइड का जो नंबर वन का टॉपिक था वो था। फिर ये आप अपनी बुक में जो स्पेस दी गई है वहां पे आप ये कंप्लीट कर लो। ओके, अभी जो लेफ्ट साइड का सेकंड क्वेश्चन है ऑपोजिट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक आपको मैंने जो अभी क्वेश्चन आंसर हमने किए ना वो आपको रीड करने हैं, और जो जो भी हमने एक्सरसाइज और जो भी जो टिक मार्क करने वाला था और जो लेसन है वो भी आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू।